नमस्कार जी, अब मैं बताने जा रही हूँ नए घर का शुभारंभ हो तो क्या दें उपहार। जानिए शुभ प्रकार। अक्सर किसी के नए घर की वास्तु पूजा हो तो यह प्रश्न उठता है कि क्या उपहार दिया जाए। कुछ ऐसा जो घर के मालिक को तो अच्छा लगे ही, साथ ही उनके घर के लिए भी शुभ हो, वास्तु के अनुरूप भी हो और कलात्मक दृष्टि से भी आकर्षक हो। आइए जाने वास्तु के अनुसार कि कौन सा उपहार नए घर के लिए शुभ होता है। हाथी। सभी शास्त्र और पुस्तक इस बात को लेकर एकमत है, नए घर के शुभारंभ में हाथी या हाथी का जोड़ा देना अत्यंत शुभ होता है। एक बड़ा कलात्मक हाथी जो चांदी सोने का हो, पीतल या कांसे का हो, संगमरमर का हो या टेराकोटा का, वुडन का नक्काशीदार हो या फाइबर ऑप्टिक का, आप अपनी जेब के अनुसार चयन कर सकते हैं। यहाँ तक कि हाथी की पेंटिंग भी शुभ होती है। शास्त्रों में हाथी को गृहस्थी, सुख समृद्धि, ऐश्वर्य, सौभाग्य और वैभव का प्रतीक माना गया है। घर के वास्तु में इसे देने से घर के मालिक की आय में वृद्धि होती है और रिश्तों में भी मिठास रहती है। नौकरी पेशा ग्रस्त और नव दंपति के घर के लिए यह आश्चर्यजनक रूप से फलदायक है। अश्व। सात सफ़ेद अश्वों की तस्वीर फैंग शुई में शुभ मानी जाती है। भारतीय शास्त्र भी कहते हैं कि किसी के घर की वास्तु पूजा में शामिल होना है तो घोड़े की तस्वीर भेंट में देना शुभ होता है। अगर घर के मालिक व्यवसायी हैं तब तो यह और भी शुभ है उनके लिए। अगर उनके घर में करियर की राह तलाशते बच्चे हैं तो यह तस्वीर उनके लिए मददगार होगी। नौकरी पेशा के लिए यह समान रूप से लाभदायक है, लेकिन बिजनेसमैन के लिए कमाल की शुभता लेकर आती है घोड़े की तस्वीर। दो तरफा गणेश। ऐसी प्रतिमा या तस्वीर जिसके दोनों तरफ गणेश जी बने हों, यह उपहार उन लोगों के लिए है जिनका बड़ा बंगला बना है और परिवार भी बहुत बड़ा है। जो लोग संयुक्त रूप से रहते हैं उनके लिए यह उपहार श्रेष्ठ है। शास्त्रों में कहा गया है कि गणेश जी की पीठ के पीछे दरिद्रता रहती है, अतः ऐसी प्रतिमा जिनमें दोनों तरफ गणेश जी का मुख ही दिखाई दे वह परिवार के लिए कल्याणकारी है। ऐसी प्रतिमा घर में निरंतर मंगल की सूचना लाती है और यह मुख्य द्वार पर ही लगाई जाती है। ध्यान रहे कि गणेश कभी भी लटकाने या टांगने वाले ना दें, बल्कि जो मुख्य द्वार के ऊपर दीवार पर चस्पा किए जा सके वही दें। एक और बात, कभी भी गणेश का सिर्फ चेहरा ना दें, बल्कि पूर्ण रूप से जिनका विग्रह दिखाई दे ऐसे गणेश को प्राथमिकता दें। परिधान। यह वर्षों पुरानी परंपरा है कि नए घर के वास्तु पर परिजन घर के मालिक को वस्त्र इत्यादि देते हैं। यह परंपरा सच में मंगलकारी है। जहाँ वास्तु पूजा हो रही है वहाँ पर घर के पूरे परिवार को परिधान और नगद राशि देना सौभाग्य सूचक है। यह लेने और देने वाले दोनों पक्ष के लिए शुभ कार्य है। घर के बड़े से लेकर छोटे से छोटे सदस्य को व्यापार या नगद देना चाहिए। अगर घर के मालिक घनिष्ठ हैं, रिश्तेदार हैं, तो सोचने की आवश्यकता नहीं, वस्त्र दीजिए। आपको बस इतना सोचना है कि उनके परिधान कपड़े, साड़ी आदि कहाँ से लेने हैं। पियोनिया के फूल। पियोनिया के फूल को फूलों की रानी कहा जाता है। पियोनिया के फूल सौंदर्य, प्रेम एवं रोमांस के प्रतीक माने जाते हैं। यह फूल समानता, स्त्रियों से संबंधित माना जाता है। अगर किसी परिवार में विवाह योग्य लड़कियां हैं तो उनके घर के शुभारंभ के अवसर पर बैठक दानी गृह के लिए पियोनिया के फूल या फूल की पेंटिंग दें। इसे परिवार के स्वभाव में वृद्धि होती है तथा लड़कियों को शीर्ष योग वर की प्राप्ति होती है। इसे प्रायः बैठक के दक्षिण पश्चिम दिशा के कोने में रखना चाहिए।
ऐसा करने से फूल की भांति घर में जल्दी प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। अन्य समानता, नए घर के शुभारंभ के अवसर पर दैनिक उपयोग की वस्तुएं, साज सज्जा सामग्री आदि दी जाती है, लेकिन कोशिश करें कि जो उपहार आप दे रहे हैं वह मालिक मकान के लिए शुभ हो। मकान बनाना मंगल की शुभता का संकेत है, अतः मिट्टी टेराकोटा से बनी कोई भी सामग्री हर किसी के लिए मंगलकारी है। मिट्टी मंगल का प्रतीक है और मंगल पृथ्वी के पुत्र माने गए हैं, लेकिन यह ध्यान रखें कि गृह स्वामी को लाल रंग की कोई वस्तु भूल कर भी ना दें। अगर नव दंपति का मकान है तो उन्हें लड्डू गोपाल की प्रतिमा देना शुभ कार्य होगा। यह उपहार संतान प्राप्ति के लिए दिया जाता है। शास्त्रों में नए घर के शुभारंभ पर चांदी देना भी मंगलमय माना गया है, जबकि सोना देना निषेध कहा गया है। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।